भाइयों और बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हो और आप ये भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया, 3 काले कानून लाए और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है, मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। यह कैसी सोच है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं पैदल चला, पंजाब से निकला और हजारों किसानों से मैंने बात की और किसानों ने सिर्फ 3 चीजें मुझे बोली जो आपके दिल में थी। सबसे पहले आपने कहा कि देखिए राहुल जी, हमें बात समझ नहीं आती है, हमने क्या गलती की है। उनका कर्जा माफ हो जाता है, अदानी अंबानी के लिए कानून बनते हैं, मगर हमारा कर्जा कभी माफ नहीं होता। यह आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि राहुल जी, हम मार्केट में जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, सब प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है, दाम लिखा होता है, मगर जब हम अपना अनाज बेचते हैं, शुगर केन बेचते हैं, आलू बेचते हैं तो हमें सही दाम नहीं मिलता। और तीसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी बीमा योजना लाए हैं, इस योजना से 16 कंपनियों को फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, कंपनीज को हम फोन लगाते हैं, ईमेल भेजते हैं, कंपनी जवाब देती है कि हम आपको बीमा का पैसा नहीं दे सकते। ये 3 चीजें पंजाब के किसानों ने, बाकी देश के किसानों ने मुझे कही। तो इन 3 सवालों के मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूं। पहला काम, जैसे यूपीए सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था वैसे ही कांग्रेस पार्टी पंजाब के किसानों का, बाकी देश के किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। दूसरी बात, यह सिर्फ एक बार नहीं होगा, हम सरकार में एक ग्रुप बनाएंगे जो किसानों की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टडी करेगा और जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। एक बार नहीं, अनेक बार हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि कानूनी एमएसपी हम नहीं देंगे। मैं यहां आपको साफ कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार पंजाब के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। और तीसरा काम, जो आपने बीमा की बात बोली, नरेंद्र मोदी जी का जो बीमा का
प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है। इस प्रोग्राम को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा।